अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। तो दोस्तों, आज सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे डीएलएड परीक्षा डेट शीट को लेकर, क्या लेटेस्ट अपडेट है। और जी हाँ दोस्तों, हमारा सीटेट के लिए लगातार ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस जारी है। जी हाँ, अगर अभी तक आपका आवेदन नहीं हुआ तो तुरंत आवेदन पहले कर लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि जो आपके जिले की सीटें हैं वो भर जाए और आपको किसी दूसरे जिले में जाकर पेपर देना पड़े। लास्ट टाइम तो दोस्तों ऐसा हुआ था कि आपको दूसरा जिला छोड़ दीजिए, दूसरे दोस्तों राज्य में जाकर पेपर देना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, यूपी के लगभग हर एक जिले की सीटें फुल हो गई थी, तो ऐसी कंडीशन इस बार ना हो तो पहले आप लोग ऑनलाइन आवेदन अपना कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज जो सीटेट की वेबसाइट है, बीच बीच में क्या हो रहा है, सर्वर डाउन हो जा रहा है, ठीक है। तो लगातार बच्चे आवेदन कर रहे हैं, जल्द से जल्द आप लोग अपना आवेदन करिए और जल्दी से दोस्तों अपनी सीट्स को कन्फर्म करिए, ठीक है। उसके बाद देखिए परीक्षा डेट शीट को लेकर क्या अपडेट है, उस अपडेट को भी देखेंगे। लेकिन आपका एक सवाल आ रहा था कि आवेदन करते समय हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, फॉर्म भरते समय कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, दो गलती आपको आज हम इस वीडियो में बताएंगे। जो गलती आप करेंगे तो फिर आपको कभी उसका फायदा आप नहीं उठा पाएंगे, ना तो एफिडेविट काम करेगा ना तो कुछ काम करेगा। सबसे बड़ी गलती आप ये करते हैं, जब आप लोगों ने डीएलएड में एडमिशन लिया होगा या दोस्तों जब आपने सुपर टेट के लिए आवेदन करेंगे, जी हाँ दोस्तों, तो आप गलती क्या करते हैं, मान लेते दोस्तों कि जैसे आप डीएलएड में एडमिशन ले रहे होंगे तो आपका परसेंटेज लिया जाता है कि हाई स्कूल में 70, इंटर में भी 70, ग्रेजुएशन में भी 70, होता है हमारा 210 नंबर है। अगर आपने दोस्तों गलती से 211 कर दिया तब समझ लीजिए आप एडमिशन काउंसलिंग के बेस पर तो पा ही नहीं सकते, डायरेक्ट एडमिशन में ही आपको मौका मिलता है। लेकिन जब बात शिक्षक भर्ती की होगी तब आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अगर दोस्तों आपका नंबर जोड़ने पर 210 आ रहा और गलती से आपने 200 नंबर कम डाल दिया, तब तो काम हो जाता है क्योंकि आपने मेरिट प्रभावित करने की कोई कोशिश नहीं की। नंबर ज़्यादा डालने का मतलब ये होता है कि आपने जानबूझकर मेरिट प्रभावित करने की कोशिश की है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि दोस्तों अगर आप SC कैटेगरी के हैं, OBC कैटेगरी के हैं या ST कैटेगरी के हैं या फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन दोस्तों आपने आवेदन करते समय भैया आप अपने आप को जनरल कैटेगरी में शो कर दिए, फिर उसके बाद आप कहेंगे कि आपको आरक्षण चाहिए, हमें आरक्षण का फायदा उठाना है, तब फिर दोस्तों आप आरक्षण का फायदा नहीं उठा पाएंगे, ठीक है। तो इन सब बातों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बहुत से बच्चे ये सब गलतियां करते हैं, फिर कहते हैं सर जी देखिए हमारा नुकसान हो गया, हमें छूट नहीं मिली। जी हाँ दोस्तों, भले आप OBC कैटेगरी के हों, आप दोस्तों भले ही 88 नंबर पा गए हो, पासिंग OBC में 82 होती है, लेकिन आपने अपने आप को जनरल कैटेगरी में शो करके रखा है, तब आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों, जितनी भी अपडेट्स होती हैं, हर एक अपडेट, हर एक जानकारी पर नजर बनाए रखें। बाकी बहुत से बच्चे परेशान हो रहे थे, सर फॉर्म भरते समय बोर्ड या यूनिवर्सिटी में हमें क्या फिल करना है। तो देखिए दोस्तों, जो हम PNP से कर रहे हैं अपनी BTC, यहाँ पर हमें कॉलेज का नाम नहीं डालना है, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी हमें डालना है। तो जब आप रिजल्ट डाउनलोड करते हैं तो उसमें जो लिखा रहता है उसी हिसाब से हमें एग्जामिनेशन जो भी करके लिखा रहता है अथॉरिटी करके, वो हमें फिल कर लेना है, ठीक है, वहाँ गलती आप नहीं करेंगे। तो ये सब बच्चे काफ़ी गलती करते हैं, बाद में परेशान होते हैं। बाकी कुछ और अपडेट आएगी तो अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। सीटेट 2023 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया लगातार जारी है, कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है जहाँ से आप लोग अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक और दोस्तों खबर आती है, जेल में भी शिक्षा की रोशनी, हाई स्कूल और इंटर में दो कैदियों ने किया टॉप, परीक्षा में फेल होने पर इंटर के दो छात्रों ने फंदा लगाकर जान ले लिया। BEd PTC सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसला के अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। फेल छात्रों के लिए जो भी बड़ी खबर आती है, हर एक अपडेट पर हमारी नजर होगी। रिजल्ट के लिए आपको वेबसाइट पता सिर्फ DLEdResult.com, इस वेबसाइट के माध्यम से आप लोग सीटेट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी आवेदन भी कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों फॉर्म भरते समय आप ये गलती नहीं करेंगे जो आज हमने आपको बताया। एक तो आप अपनी कैटेगरी गलत नहीं डालेंगे और नंबर गलती से भी भैया 0.1 नंबर भी ज़्यादा डाल दिए ना, तब बवाल होना है, नौकरी फिर भूल जाएगी, ठीक है। तो ये मान लिया जाता है कि आपने भैया मेरिट को प्रभावित कर दिया, तो नंबर कभी भी 1 नंबर ज़्यादा आप नहीं डाल सकते। बाकी कुछ और गलतियाँ होती तो आपको एक बार एफिडेविट या कुछ चक्कर वक्कर लगाकर आपका काम हो जाता है, लेकिन इन सब गलतियों में आप बचने का चांस लगभग जीरो, कोई मौका नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। बार बार इसको देख लीजिएगा, बाकी डेट ऑफ बर्थ, नाम वाम, आधार कार्ड, जो भी डिटेल्स डाल रहे हो, ठीक है, इसको जरूर देखें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में और भी अधिक जानकारी के साथ। फिलहाल सोशल मीडिया की तमाम अफवाह से आपको बच के रहना है। मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अधिक जानकारी के साथ। परीक्षा डेट शीट की अपडेट आप देख सकते हैं, ठीक है। ये रही दोस्तों हमारी फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट,
उसके बाद दोस्तों थर्ड सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट आप ये देख सकते हैं, और कुछ और सवाल दोस्तों वो भी अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। देखिए जो ये हम बात कर रहे थे वैकेंट सीट के बारे में, सीटें दोस्तों बहुत तेजी से फुल हो रही हैं, तो जल्द से जल्द आप लोग आवेदन करके अपने जिले की सीट कंफर्म कर लीजिए जहाँ पर आपको पेपर देना है। नहीं तो फिर बाद में वही होगा कि आपके जिले में सीट नहीं बचेगी, फिर आपको दूसरे जिले में या दूसरे राज्य में जाकर पेपर देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर सार्वजनिक सूचना जो पब्लिक नोटिस आई थी उसमें आपकी फीस लिखा है। एक पेपर अगर आप देना चाहते हो तो 1000, दोनों पेपर के लिए 1200 रुपये, SC ST या विकलांग कैटेगरी के लिए 500 रुपये, एक पेपर के लिए दोनों के लिए 600 रुपये। यहाँ पर साफ साफ लिखा है पहले आओ पहले पाओ की नीति यहाँ पर लागू की गई है। जो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत हुई है 27 अप्रैल से और चलेगी 26 मई तक, लेकिन आपको बताना चाहेंगे जब ये दोस्तों आवेदन की लास्ट डेट तक आप पहुंचेंगे तब ये मान के चलेगा कि आपको यूपी में एक भी सीट नहीं मिलने वाली, फिर आपको किसी दूसरे जिले में जाकर पेपर देना पड़ेगा। तो लास्ट टाइम बच्चे काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे कि इतना महंगा फॉर्म पहले 1000-1200 रुपये का, उसके बाद दूसरे जिले में जाकर पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों का नुकसान अच्छा खासा हो रहा था, तो उम्मीद करेंगे इस बार आप लोग ये सब गलती नहीं करेंगे। बाकी दोस्तों कुछ और अपडेट्स आते तो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, अच्छे से आप लोग को तैयारी करना है। देखिए एक बात और आपको बता दें, अभी दोस्तों आपने सीटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय कोई गलती कर भी दिया होगा, फॉर्म भरते समय कोई गलती हो भी गई होगी, तो दोस्तों आपको ऑनलाइन करेक्शन का एक मौका मिल जाएगा, ठीक है, अपना फॉर्म सुधारने का मौका मिल जाएगा। उसको लेकर बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि फॉर्म भरते समय आपसे गलती हुई, उसके बाद आपको टेंशन में आ जाती है कि सर क्या होगा, क्या हमें बाहर कर दिया जाएगा, नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर आपने कुछ ज़्यादा ही गलती कर दिया, सब कुछ गलत कर दिया, तो आप एक नया फॉर्म सबमिट करेंगे, तो देख लीजिएगा कितनी गलती हुई कैसे क्या क्या है। तो बाकी आप देख सकते हैं कि भैया जेल से भी कुछ लोग कैसे टॉप कर रहे हैं, देख लीजिए। बरेली से अपडेट आते यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम मंगलवार को घोषित हुआ, जिसमें जेलों में बंद बंदियों और कैदियों को पीछे छोड़कर बरेली जेल में बंद दो कैदियों ने प्रदेश में टॉप कर दिया। सुजीलिया थाना कमलापुर सीतापुर निवासी ओमकार सिंह हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे, वही हाईस्कूल की परीक्षा में 600 में से 503 अंक प्राप्त कर प्रदेश के जिलों में टॉपर बन गए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस लेवल पर भैया कह रही है कि उनका एजुकेशन लेवल भी कम नहीं है। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे 28 अप्रैल 2023 आज सुबह से लेकर रात तक की अपडेट को, और कुछ अपडेट हम 29 अप्रैल की इस वीडियो में देख रहे थे। तो दोस्तों अगले महीने हम लोग का पेपर है मई में, उसके लिए भी हमें तैयार रहना है, लेकिन चलिए एक अच्छी बात है सीटेट का पेपर हमारा जुलाई और अगस्त तक जा रहा है, ठीक है। उधर 2 महीने मतलब देखिए समय इसलिए मांगा जाता है कि आप लोग का पेपर ऑनलाइन मोड में होता है, ऐसा तो नहीं एक दिन में पेपर कंप्लीट हो जाएगा, तो पेपर लंबे समय तक चलता है, तो उस हिसाब से ठीक है हम लोग तैयारी करते रहेंगे, कहीं पर भी आप लोग किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं करते, ठीक है। बाकी दोस्तों कुछ और अपडेट आएगी तो अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ और अपडेट या यूपी टेट उसकी भी अपडेट। और आपके मन में एक सवाल होगा कि भैया सीटेट का पेपर दोबारा होने जा रहा है, लेकिन यूपी टेट का पेपर अभी पहली बार भी नहीं हो पाया, 2022 का यूपी टेट का पेपर नहीं हो पाया, 2023 का छोड़ दीजिए। चलिए दोस्तों जल्दी हमें बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी, सोशल मीडिया के तमाम अफवाह से बच के रहिए। स्कूटी में क्या कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे गलती कर रहे हैं कि दलालों को पैसा देने की सोच रहे हैं 5 से 10-10 हज़ार रुपये, उससे बेहतर है कि बैक पेपर की आप लोग तैयारी करिए, इस बार अच्छा नंबर लाना है। मिलते हैं एक और वीडियो में और भी अधिक जानकारी के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।